नमस्कार दर्शकों, इस समय हम लोग मौजूद हैं जयगांव से रंगामाटी सेंट्रल टूअर्स जाने का मुख्य सड़क पे, खोखला बस्ती होते हुए मुख्य सड़क जो सेंट्रल टूअर्स रंगामाटी तरफ जाती है उस सड़क पे। और आप देख सकते हैं ये सड़क जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, बर्बाद हो चुका है और यातायात जो है इस सड़क से पूरी तरह से बाधित हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नदी है, बरसाती नदी है, गोबरजीती नदी है, उसके वजह से भी, और बगल से बासरा जब उफान पे थी उधर से भी गांव से होते हुए काफी पानी आया था, उसके वजह से भी आप देख सकते हैं छोटे से यहाँ पे टनल टाइप का एक नाला है, उससे जब तेज प्रभाव जब पड़ा है उससे किस तरह का क्षति यहाँ पे पहुंचा है। पूरी तरह से सड़क जो है यहाँ से पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। अब यहाँ से जाना आना एकदम संभव नहीं है और जो लोग जयगांव से इस रास्ते से होकर रंगामाटी सेंट्रल डुअर्स जाते थे उनको कालचिनी होकर जाना आना पड़ेगा। और उधर भी ऐसा ही समस्या है क्योंकि पाना नदी जो है वो भी उफान पे होने के वजह से वहां पे भी काफी क्षति हुआ है और सेंट्रल डुअर्स और रंगामाटी क्षेत्र पूरी तरह से बाकी हिस्सों से अलग थलग पड़ गया है। आप देख सकते हैं ये स्थिति है। मंजर आपको दिखाना चाहेंगे, किस तरह का मंजर यहाँ पे हो रखा है, तेज बहाव में किस तरह से ये सड़क जो है पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। आपको दृश्य दिखाना चाहेंगे, सड़कों के नीचे से मिट्टी कट चुका है, सड़क ऊपर है, सड़क जो है सड़क का हिस्सा आप देख सकते हैं कंक्रीट जो सड़क है वो पूरी तरह से किस तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। और आप देख सकते हैं ऊपर से एशियन हाईवे गया है जो कि पासाखा जाता है, भूटान का इंडस्ट्रियल हब कहा जाता है पासाखा, वहां जाता है ये एशियन हाईवे और ये सड़क है जो रंगामाटी सेंट्रल डुअर्स के तरफ में जाता है। आप देख सकते हैं भारी तबाही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पूरी तरह से यातायात जो है इस क्षेत्र के लिए, रंगामाटी सेंट्रल डुअर्स के लिए पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। आप देख सकते हैं ये स्थिति यहाँ पे देखी जा रही है। यहाँ पे एक स्थानीय व्यक्ति है, उनसे हम लोग बातें करेंगे। भाई नमस्कार, किस तरह का यहाँ पे स्थिति हो रखा है? अभी आप देख रहे हैं जो स्थिति है, अभी एशियन हाईवे जो इतना बड़ा पुल है उसका नीचे से पूरा मिट्टी तो निकाल के ले गया नदी, और इतना बड़ा गाड़ी सब अभी यहाँ पर चलना भी रिक्स हो गया है। उसके बाद जो रंगामाटी से आने वाला रास्ता है वहाँ पर देखे ना, कोई सेफ्टी का कोई ये नहीं है। अभी अचानक से आएगा तो रात को आदमी यहाँ पर गिर के भी कुछ भी हो सकता है। उसका बाद में जब ये हुआ था, जब ये नदी घुसा था उस टाइम हम लोग का पूरा गोतीबारी क्षेत्र में नदी घुसते पूरा आदमी लोग का खेती बाड़ी सब बर्बाद करके आदमी मजबूरन होकर रोड में बैठना पड़ा था। उस टाइम में 2 घंटा जब आदमी लोग गांव का आदमी लोग निकल के रोड को चेक किया, उस टाइम में प्रशासन लोग आके बोला था जब नदी का बहाव कम होगा तब कुछ इमरजेंसी काम करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ भी इमरजेंसी काम का कुछ भी यहाँ पर ये नहीं हुआ है। यहाँ पे स्थिति देखा जा रहा है, पूरा पेड़ सब गिरा हुआ है, पूरी तरह से आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, सड़क जो है नदी में परिवर्तन हो गया है। क्या क्या कोई आ रहा है देखने के लिए, कोई आ रहा है? अभी तक तो कोई ना आ रहा है। उस दिन जब हम लोग रोड में आके स्टेक किए थे गाड़ी, उस टाइम में हमारे गंगा प्रसाद जी साथ में जे भूषण शेरपा उसके बाद हमारे प्रधान आए थे और आश्वासन लेके गए थे कि जब नदी का बहाव कम होगा तो हम लोग कुछ मशीन लगा के इमरजेंसी काम जल्दी करेंगे बोल के, लेकिन अभी तक तो कुछ भी इमरजेंसी काम कुछ भी चालू नहीं हुआ है। हम लोग गाँव वासी अपील करना चाहते कि जल्द से जल्द ये काम चालू करके ये सड़क को फिर नियंत्रण में लाए। जी, और काफी भारी तबाही हुआ है जी गांव क्षेत्र में भी। बहुत एक साल का खेती बाड़ी जो लगाया था धान वान वो सब चला गया, उसका बाद में सुपारी पेड़ इधर का जमीन सब आप देख सकते कितना कट के ले गया है। जी, और क्या क्या लगता है प्रशासन अभी तक नहीं आ रही है? प्रशासन अभी तक नहीं, क्योंकि हमको तो लगता है अभी सब एरिया में वैसा ही, लेकिन वो लोग को भी देखना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये रास्ता है ना जी। यहाँ पर कुछ काम नहीं होने, कुछ सेफ्टी का रियाज करके तो कुछ रख देना चाहिए, नहीं तो उधर से आने वाला बाइक को रात में आने से गिर यहाँ पर कुछ भी घटना हो सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रज्वल राय। कहाँ के निवासी? खोखला बस्ती। आंटी नमस्कार, कता जानु हुँदै थियो तपाई? म जयगाउँ जाँदै थियो। हजुर, अस्ति जुन हाम्रो गाउँमा चाहिँ जुन बासा भलाबाट जो डाली फुटाएर जुन यसरी पानी
13 तारिकको दिन चाहिँ हामी यस्तो अवस्थामा थियौँ कि अब हामीले आफ्नो ज्यान बचाउनको लागि हामी एसएन हाइरोडमा आएर बस्यौँ हो 8-9 घन्टा बस्दाखेरि अन्त 2 घन्टा बादमा चाहिँ गङ्गा प्रसाद आएर भने अब सबै ठाउँमा यस्तै छ अब आस्ते आस्ते काम गरिन्छ अब 3-4 दिनको डेट देऊ भनेर जानु भएको छ अब आज त 3 दिन भइगयो आजसम्म अब के अतपत छैन विशेष हाम्रो यो मेन हिँड्ने बाटोमा पुरै एकदम हामीलाई दिक्कत छ खतरा पुरा रहेछ पुरा खतरा छ यहाँ तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ हजुर हजुर अब हामीलाई चाहिँ के भन्ने विचार छ भने यो जुन एसएन हाइरोडबाट जुन हाम्रो अब यत्रो ओभर ब्रिजमा अब त्यत्रो झोडा आउँदैछ उता भारतपट्टिबाट जङ्गलपट्टिबाट त्यो झोडामा चाहिँ सानो होम पाइप लगाइदिएको छ त्यो होम पाइपको कारणले चाहिँ जति पनि हाम्रो बस्तीमा धेरै क्षति त्यो पानी बस्तीमा गयो के अरे घरभित्र पनि हाम्रो यति जङ्गल अब यो रुमभित्र पनि पानीहरू पसेको छ हजुर आन्टीको के नाम मेरो शान्ति सोरेन घर कता रहेछ घर देवराली देवराली आप देख सकते हैं दर्शकों हम लोग ये दृश्य आप सभी के समक्ष साझा करने के लिए आए थे और साथ साथ में प्रशासन से यही अपील करेंगे कि तत्पर यहाँ पे कार्य किया जाए तत्काल यहाँ पे शीघ्र ही यहाँ पे कुछ कार्य किया जाए आप देख सकते हैं ना यहाँ पे बैरिकेड लगाया गया है ना कोई डेंजर साइन दिया गया है और अंधेरे में अगर कोई उस तरफ से कोई आता है कोई गाड़ी हो कोई पैदल यात्री हो कोई बाइक चालक हो वो इस गड्ढे में अगर गिरता है तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है जान का भी नुकसान हो सकता है इस तरह का परिस्थिति यहाँ पे बना हुआ है। आगे हम लोग दृश्य दिखाना चाहेंगे हम लोग यहाँ से आगे की तरफ जाके आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह का यहाँ पे परिस्थिति हो रखा है और पूरी तरह से यहाँ पे सड़क हुआ करता था यहाँ पे सड़क हुआ करता था जो आज यहाँ पे मौजूद नहीं है पूरी तरह से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है जमीनें कट चुकी हैं जमीनों के नीचे से आप जड़ देख सकते हैं आप ये देख सकते हैं जड़ देख सकते हैं और चारों तरफ आप देखेंगे इसी तरह से पेड़ वगैरह गिरा हुआ है मलबा ही मलबा आपको देखने को मिलेगा पूरी तरह से सड़क पूरी तरह से कट चुका है आप देख सकते हैं ये बांस का कहा जाता है जहां पे बाड़ जैसा जगह होता है तो वहां पे बांस का पेड़ लगाया जाता है काफी जगहों पे ऐसा देखा जाता है और यहाँ पे देख सकते हैं पूरी तरह से जड़ ही जड़ देखने को मिल रहा है कितना जमीनें इसी तरह से हर एक साल बाढ़ के चपेट में आने से कट जाता है लोगों का कितना जमीन चला जाता है आप देख सकते हैं ये स्थिति आपको दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं आप सोच रहे होंगे कि मैं नदी से गुजर रहा हूँ लेकिन ये क्षेत्र सड़क था ये क्षेत्र सड़क था जो आज नदी जैसा बन चुका है और पूरी तरह से यहाँ पे तबाही का मंजर आपको देखने को मिलेगा हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे एक छोटा सा आपको जाली का एक बांध देखने को मिलेगा वो भी यहाँ पे क्षतिग्रस्त हो चुका है गिर चुका है और आगे हम लोग चलना चाहेंगे आप देख सकते हैं आगे कुछ युवा वर्ग है जो यहाँ पे मौजूद है यहाँ से जाना आना भी काफी काफी कठिन है काफी मुश्किल बड़ा सफर है इस क्षेत्र में आपको दिखाने के लिए हम लोग पहुंचे हैं हम लोग अभी उस क्षेत्र से आए हैं आप देख सकते हैं और यहाँ पे आपको दृश्य देखने को मिलेगा यहाँ पे और ये है गोबरजीती नदी जिसका मैं जिक्र कर रहा था गोबरजीती नदी आप देख सकते हैं कुछ युवा वर्ग यहाँ पे मौजूद है कुछ युवा वर्ग यहाँ पे मौजूद हैं जो कि शायद मौज मस्ती कर रहे हैं शायद इस पानी में कुछ मछलियां पकड़ लें शायद कुछ ऐसा ही कुछ हो रहा होगा के भाई के उन्दस माछा माछा अब के गर्नु माछा ही मार्नु पर्यो नि त्यस्तै रहेछ पूरा तबाह भइरहेछ ल गर्दै गर केही छैन ये आप देख सकते हैं यही दृश्य आपको दिखाने के लिए आए हैं ये पूरी तरह से सड़क जो है भारत भूटान सीमांत जयगांव से खोखला बस्ती होते हुए रांगामाटी सेंट्रल टूवर्स जाने का रास्ता पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है संचार पूरी तरह से कट चुका है और गोबरजीती नदी में भी काफी उफान पे था यहाँ पे भी काफी तबाही देखी जा रही है आगे भी हम लोग आगे का भी दृश्य दिखाएंगे इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहिएगा।
कीप वाचिंग जयगो मिरर्स। जय हिंद।